इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से VPN के एरर को और किसी भी तरह के VPN के इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं जहां पर आपका VPN रिफ्यूज टू कनेक्ट शो कर रहा है। अगर आप कोई प्रीमियम VPN सर्विस यूज़ कर रहे हैं लाइक फास्ट VPN या फिर नोड VPN या फिर कोई और सर्विस, और हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो जहां पर ये आपको एरर मैसेज आ रहा हो कि ट्राई डिफरेंट प्रोटोकॉल और कॉन्टैक्ट दी कस्टमर सपोर्ट, या फिर कोई दूसरी तरह का इशू जहां पर आप किसी भी सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली फास्ट VPN के लिए है, बट अगर कोई और भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और भी इशू कर रहे हैं तो हो सकता है ये जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे उससे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और सबसे पहले थैंक यू फास्ट VPN फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैं फास्ट VPN को पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 8 मंथ्स, और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये नेमचीप से है जहाँ से मैं अपने सारे डोमेन खरीदता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगते हैं। प्लस में फास्ट VPN काफ़ी अफोर्डेबल भी है और ये बहुत ही तेज़ और फास्ट वर्क करती है, और ये मेरे को सिक्योर नेटवर्क एक्सेस देती है, और मैं आसानी से कोई भी ब्लॉक वेबसाइट को जो मेरी कंट्री में ब्लॉक हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। और इसको मैं नेटफ्लिक्स पर भी यूज़ करता हूँ ताकि मैं US और कैनेडा के शोज़ को ईजिली स्ट्रीम कर सकूँ। स्ट्रीमिंग वीडियोस के लिए भी ये काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी फास्ट है, और इसमें बहुत सारे सर्वर अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है। इसमें ऐप विंडो के लिए, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, लिनक्स के लिए, और इवन आप इसे राउटर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और फास्ट VPN की 1 ईयर की सर्विस है जो काफ़ी अफोर्डेबल है, वो होती है अराउंड $35 की, मतलब है अराउंड 2800 रुपये, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल और कॉम्पिटेटिव प्राइस है आप अगर दूसरे से कंपेयर करेंगे तो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फास्ट VPN को बाय करने के लिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एड एंड चेक दिस आउट। चलिए अब चलते हैं इस इशू को फिक्स करने के लिए। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा डिवाइस मैनेजर, और डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। फिर तो यहाँ पर नेटवर्क अडैप्टर्स पे यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वैन मिनी पोर्ट आईकी V2 है, इसको राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल डिवाइस कर देना है। उसके बाद वैन मिनी पोर्ट इस पे भी राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल डिवाइस कर देना है। फिर वैन मिनी पोर्ट L2TP इस पे राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल डिवाइस कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऊपर जहां पर ये आपके PC का नाम होगा, यहां पर राइट क्लिक करना है और आपको स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस करना है। उसके बाद ये क्या होगा, ये सारे जो भी हमने अडैप्टर्स को अनइंस्टॉल किया था वो अगेन से इंस्टॉल हो जाएंगे। अब आप फास्ट VPN में जाएं और देखिए कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कनेक्ट करके देखता हूँ और देखिए ये कनेक्ट हो गया है ना, बिल्कुल आसान है किसी भी एरर को इसको फिक्स करना। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फास्ट VPN को चेक करना ना भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।